आज तुम्हारा जन्मदिन है पिट पिट। इतने सारे पशु पंखी, जटिलता और विविधता से भरपूर ऐसे अनेकानेक जीव, वनस्पतियों और सूक्ष्म जंतुओं से बना है हमारी पृथ्वी का जीव मंडल, और इसी जैविक वैविध्य को कहते हैं बायोडायवर्सिटी। जाति के आधार पर, अनुवांशिक यानी स्पीसीज के स्तर पर और इकोसिस्टम के आधार पर हम इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं। अलग अलग होते हुए भी ये सब परस्पर निर्भर और अंतर्ग्रथित यानी इंटरडिपेंडेंट है। मनुष्य भी इस बायोडायवर्सिटी का ही एक हिस्सा है। जीव जंतु, अभयचर प्राणी, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जीव, इनसे समृद्ध हमारे देश की बायोडायवर्सिटी अब खतरे में पड़ गई है। कैसा खतरा? अनियंत्रित रूप से बढ़ रही जनसंख्या, वन्य जीवन की बहुमूल्य कीमत पर हो रहा नगरीकरण अर्थात अर्बनाइजेशन, उद्योगीकरण अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रदूषण के कारणों पर पूर्वा अनुमान लगाया गया है कि अगले 20-30 वर्षों में पृथ्वी की 1/4 बायोडायवर्सिटी नाश हो सकती है। इससे बचने का कोई उपाय? लोगों में आंतरिक जागृति पैदा करते, बढ़ते प्रदूषण पर रोक, वन्य जीवन का संरक्षण, नेचुरल पार्क, सेंचुरीज का निर्माण और हाँ, वनस्पति पक्षियों की बीज और जनीन बैंक, बोटानिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क्स जैसे माध्यम ही बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं। अब इससे कौन बचाए है?